नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर आपको बताएं। शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत, नियमों में बदलाव कर सकती है, बिना शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा दे सकते हैं, शिक्षकों को भरोसा दिलाया है। ACS KK पाठक का बड़ा बयान सामने आया है, शिक्षकों की अधिकतर मांगों को जायज बताया गया, शिक्षकों को भरोसा दिया है, आश्वासन दिया है 24 घंटे के भीतर समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। और इसे लेकर डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात भी की है। बताया जाता है कि शिक्षकों की कुछ मांगों पर सरकार विचार कर सकती है। मंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करके लोगों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भरोसा दिया ऐच्छिक स्थानांतरण बदलाव के मुद्दे पर भी CM के साथ उनकी बैठक हुई है, शिक्षकों की मांग पर विचार करने का आश्वासन दे दिया है। सवाल है कि सरकार नियोजित शिक्षकों की हर मांग, सरकार पर प्रेशर के पीछे की चाल, ये सब कुछ समझने की भी जरूरत। नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नियोजित शिक्षकों के लिए बिना किसी शर्त के उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा, बड़ा तोहफा दे सकते हैं। सरकारी नौकर, क्योंकि मेरा बच्चा जो है बाहर से आया है घर, ठीक है, आते वक्त हम रो दिए, छुट्टी लेकर मेरा बच्चा घर आया है, वो रोने लगा कि मम्मी हम बाहर। दोस्तों, बिहार नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आई है। बता दें कि नियोजित शिक्षक लगातार बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब उनके लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ सकती है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के चलते बिहार सरकार अब धीरे धीरे नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला लेती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में बहुत ही जल्द बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा देने पर बिहार सरकार फैसला ले सकती है। बता दें कि नियोजित शिक्षक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा दिया जाए और जो सक्षमता परीक्षा ली गई है उसमें सभी को पास किया जाए। ऐसे में अब उनके लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ सकती है। बिहार सरकार इस पर विचार कर सकती है, बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा देने पर फैसला लिया जा सकता है। वहीं दोस्तों, पटना हाई कोर्ट में भी नियोजित शिक्षकों की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फैसला को सुरक्षित रख लिया। ऐसे में माना जा रहा है कि कोर्ट की अगली कार्रवाई में अब नियोजित शिक्षकों के लिए भी एक राहत की खबर निकल कर आ सकती है, बिना शर्त राज्यकर्मी की दर्जा देने पर फैसला लिया जा सकता है। वहीं बिहार सरकार भी अब धीरे धीरे नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला लेती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में बहुत ही जल्द नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ सकती है। बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जा समेत अन्य कई मांगों को लेकर बिहार सरकार की तरफ से विचार किया जा सकता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर।